प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से पूछा, हे लक्ष्मण बताओ, पुष्पं दृष्ट्वा फलं दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नौ यौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कथना विटलेत मनः। अर्थात एकांत में पड़ा हुआ सोना, एकांत में खिला हुआ फूल, एकांत में किसी वृक्ष पर लगा हुआ मधुर फल एवं एकांत में मिली नौ यौवना, इन सबको देखकर किस मनुष्य का मन विकारग्रस्त नहीं होता और कौन इन स्थितियों को देखकर अपने आप को संभाल पाता है। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, हे भ्राता सुनो, माता यस्य पतिव्रता पिता यस्य धार्मिका एकांते कांचे नौ यौवनम दृष्ट्वा तस्ना विचलेत मनः। अर्थात जिसकी माता पतिव्रता है, जिसका पिता धार्मिक है, ऐसे माता पिता के उत्तम संस्कार लेकर जिस संतान का पालन पोषण होता है, उस संतान का मन इतना ऊंचा होता है कि एकांत में उसके सामने दुनिया का कोई भी आकर्षण क्यों न हो, वह स्वयं को संभाल लेता है और अपने आप को गिंडे से बचा लेता है।